नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, 20 मई दोपहर करीब 1:30 बजे लोगों ने एक जोरदार आवाज सुनी। किसी को पता नहीं चला कि किस चीज की आवाज थी। रात में गृह मंत्रालय के बेंगलुरु पीआरओ की तरफ से ट्वीट आया। कहा गया कि ये वायुसेना की रूटीन टेस्ट फ्लाइट थी। ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। कहा गया कि पायलट और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर रूटीन में टेस्ट करते हैं। यह आवाज शायद तब आई जब 36,000 से 40,000 फुट की ऊंचाई पर एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक से सबसोनिक मोड में जा रहा था। आपको आसान भाषा में बताते हैं कि सुपरसोनिक बूम होता क्या है। आपने कभी ऐसी आवाज सुनी है जिससे आपकी कांच की खिड़कियां थर्राई हों? कई बार तो ज्यादा प्रेशर की वजह से कांच की खिड़कियां टूट भी जाती हैं। ऐसा सुपरसोनिक स्पीड के कारण होता है। लोग आमतौर पर सोनिक बूम सुनकर परेशान हो जाते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही साधारण और कॉमन वैज्ञानिक घटना है। देश में पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में पहले भी सोनिक बूम देखे जा चुके हैं। कई बार तो इतनी जोर की आवाज होती है कि लगता है कि कहीं कान ने काम करना बंद तो नहीं कर दिया। एयरक्राफ्ट जब सुपरसोनिक स्पीड से चलता है तो सोनिक बूम लगातार बाहर निकलती है। एयरक्राफ्ट अगर कम ऊंचाई पर उड़ रहा हो तो सोनिक बूम के कारण लगता है मानो भूकंप आ गया हो। बेंगलुरु में भी कई लोगों को ऐसा लगा। बाद में प्रशासन से साफ किया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जब कोई चीज आवाज की स्पीड से भी तेजी से हवा से गुजरती है तो बहुत जोर की आवाज पैदा होती है, विस्फोट टाइप। इस आवाज को ही सोनिक बूम कहा जाता है। इसमें बड़े पैमाने पर साउंड एनर्जी जनरेट होती है। आमतौर पर सोनिक बूम तब बनते हैं जब एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट हो। इससे स्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई विमान हवा से होकर गुजरता है तो वह विमान के सामने और उसके पीछे दबाव की तरंगों को एक सीरीज बनाता है। सुपरसोनिक स्पीड में प्रेशर फील्ड खास इलाके तक सीमित होता है। यह अधिकतर एयरक्राफ्ट के पिछले हिस्से में फैलती है, एक सीमित कोण में आगे बढ़ती है, जिसे मैक कोण कहा जाता है। एयरक्राफ्ट की स्पीड को मैक नंबर के जरिए मापा जाता है। मैक नंबर का पता कैसे चलता है ये समझिए। किसी मीडियम में सॉलिड की स्पीड डिवाइडेड बाय उसी मीडियम में साउंड की स्पीड इज इक्वल टू मैक नंबर। मान लीजिए अगर मैक वैल्यू 1 है तो इसका मतलब ये है कि सॉलिड की स्पीड साउंड की स्पीड के बराबर है। अगर मैक वैल्यू 2 है तो इसका मतलब यह है कि सॉलिड की स्पीड साउंड की स्पीड की दोगुनी है। यदि मैक वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि सॉलिड की स्पीड सुपरसोनिक है। यदि मैक वैल्यू 5 से ज्यादा है तो उस स्पीड को हाइपरसोनिक कहते हैं। विमान के आगे बढ़ने के साथ ही पीछे की ओर कोन का पैराबोलिक एज टकराता है और एक जबरदस्त धमाका या बूम पैदा करता है। एयरक्राफ्ट जब लो अल्टीट्यूड में उड़ता है तो इस शॉक वेव की स्पीड इतनी होती है कि इससे खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। ये स्पीड इस बात पर निर्भर करती है कि एयरक्राफ्ट धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट के साइज और शेप पर भी निर्भर करता है। साथ ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर और हवा की स्पीड पर भी ये सब निर्भर करता है। हवा में एयरक्राफ्ट साउंड वेव पैदा करता है। जब एयरक्राफ्ट साउंड से कम की स्पीड पर चलता है तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साउंड से ज़्यादा इसकी स्पीड पर चलने पर यह सोनिक बूम पैदा करता है। ऐसे में बड़े पैमाने पर साउंड एनर्जी बनती है। इसी कारण से एयरक्राफ्ट के आने से पहले कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन उसके गुजरने के बाद तेज धमाके से आवाज होती है। जब भी कोई सामान पेड़ हवा से गुजरता है तो ऐसी आवाजें, जब बादल गड़गड़ा रहे हो ऐसी आवाजें आती हैं। आपने भी ये आवाज जरूर सुनी होगी। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी आदित्य ने। देखते रहिए द लल्लन टॉप। बाकी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।